अभी हम ये स्क्रू ड्राइवर ले लिए हैं, तो अभी हम इसको खोलेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपके वॉशिंग मशीन पे ऐसा दो रहेगा, किसी किसी में आप देखोगे तो आपको इधर भी रहेगा, किसी किसी में आपका इधर रहेगा। तो हमारा ये इधर है, ये आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, इसमें आपको तो ऐसा ओपन कर देना है, तो हमारा वो निकल जाएगा। हमारा ये निकल गया फिर से। तो अभी आपको आप इसमें ध्यान रखे रहे कि ये निकालते समय आपका पावर प्लग निकला रहे। अभी हम ये निकाल रहे हैं, इसको पूरे तरीके से खोल देना। देखो ये बड़ा स्क्रू है, अभी हम खोल लिए हैं। आपको इधर से ये देखो, आप इधर इधर अभी हम खोल चुके हैं। आपको क्या करना है, स्लाइड करना है और ये निकालना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पीसीबी बटन है, इसको आपको क्या करना है, एक एक आपको ये ऐसा इधर ये आपको ऐसा निकाल लेना है पूरे को। अगर आपको नहीं समझ रहे तो आप इसका फोटो भी खींच के आप ले सकते हो, लेकिन इसमें क्या होएगा, जिधर जिधर आपका प्रॉप है उधर उधर आपको ये सब दिया रहेगा। और तो आपको ये निकाल लेना है और आपको फोटो भी खींच लेना है अगर आपको। थोड़ा टाइट हो गया लेकिन ये निकल गया इसको। ये निकल गया, देख सकते हो ये अलग हो, ये अलग हो चुका है। तो आपको इसको ये भी आप स्क्रू खोल के आप खाली है, नहीं तो ऐसे लेके जाके आप किधर भी आप दे सकते हो इसको बनने के लिए, कि आपको बोलना है कि हमारा वॉल चालू नहीं हो रहा है, इननेट वाल जो आपका सोलो नेट वाल है वो चालू नहीं हो रहा है और आपको ये देख लेना। तो ये ऐसे खोलते हैं हम ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वॉशिंग मशीन में तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।